तो गाइस वेलकम बैक टू रे टॉक्स, मैं हूं तुम्हारा होस्ट एंड दोस्त रे। तो यार VFX के इस दौर में जहां पे लोगों को ब्रह्मास का VFX बहुत ज्यादा पसंद आया है, वहीं पे लोगों ने आदिपुरुष के VFX को बहुत भयानक वाला ट्रोल किया है। तो इसी गर्मा गर्मी के माहौल में मैं लेके आया हूं आपके लिए टॉप 5 बॉलीवुड मूवी विद बेस्ट VFX पार्ट 1। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है वो है अजय देवगन स्टारर शिवाय, जो की 2016 में आई थी। सच बताऊं तो यार जब शिवाय का ट्रेलर आया था तो मैं लिटरली उस ट्रेलर को देख के शॉक हो गया था, क्योंकि मैंने उससे बेहतरीन ट्रेलर इन टर्म्स ऑफ VFX एंड सीनरी मैंने कभी भी नहीं देखा था बॉलीवुड मूवी में। और मैंने लिटरली अपने फ्रेंड सर्कल में ये कहा था कि भाई जाके शिवाय का ट्रेलर देखो, क्या जबरदस्त ट्रेलर है। कॉज अगर सुपर हीरो जॉनर को छोड़ दे तो मैंने किसी भी बॉलीवुड फिल्म से ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कि पुलिस वैन में अजय देवगन बैठे हुए हैं और वो वैन जो है वो डैम से गिर रही है और अजय देवगन वहां पे लॉक्ड हैं और वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इस चीज को दिखाया जा रहा हो। फिल्म का VFX बहुत जबरदस्त है और बहुत ज्यादा क्लीन VFX है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि VFX के साथ साथ क्या सीन को इमेजिन करना है, क्या सीन बनाना है, वो इमेजिनेशन भी बहुत तगड़ी है। जैसे इस सीन को देख लो, यहाँ पे कार आधी पानी में और आधी जमीन पे और ये चल रही है। इस तरह के सीन को इमेजिन करना उस वक्त बहुत ही यूनिक चीज थी। और VFX के साथ साथ इस फिल्म की जो सिनेमाटोग्राफी है ना वो तो काफी ज्यादा अच्छी है। जैसे कि शॉट को देख लो, ये पूरा शॉट जो है वो सिंगल टेक शॉट है, मतलब कि एक ही टेक में ये पूरे शॉट को फिल्माया गया है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अजय देवगन ने और ये फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पे एवरेज साबित हुई, बट इस फिल्म को नेशनल अवार्ड, स्टार स्क्रीन अवार्ड और जी सिने अवार्ड मिले फॉर बेस्ट विजुअल इफेक्ट एंड बेस्ट सिनेमाटोग्राफी। नंबर 4 पे जो मूवी आती है वो है अपने ऋतिक रोशन की क्रिश 3, जो कि 2013 में आई थी। इस फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ के आसपास था और ये फिल्म ने 393 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपए कमाए थे बॉक्स ऑफिस पे वर्ल्ड वाइड। और इस फिल्म का जो VFX है वो किया था शाहरुख खान की कंपनी रेड चिली VFX ने, जिसने 26 करोड़ रुपए लिए थे इस फिल्म के VFX को करने के लिए। और यार उस वक्त हमको 26 करोड़ में काफी सही VFX देखने को मिला, क्योंकि इस फिल्म का जो VFX है ना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। मतलब कि हमें म्यूटेंट्स दिखाना था, हमें बिल्डिंग गिरते हुए दिखानी थी, हमें पूरा एरोप्लेन वाला सीक्वेंस दिखाना था और भी बहुत सारे सीक्वेंस थे इस फिल्म में जो काफी कॉम्प्लेक्स थे। और यार 9 साल पहले बना हुआ ये VFX आज की फिल्मों को भी टक्कर दे सकता है। और आज के डायरेक्टर्स के लिए एक लेसन है कि भाई बॉलीवुड की पहले की फिल्में देखो, कम बजट में अच्छा VFX बनता था उससे सीखो। आज इनके पास बजट भी है, बहुत ढेर सारा टेक्निक भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये कूड़ा बना रहे हैं। इस फिल्म का VFX करने के लिए रेड चिलीज VFX को स्क्रीन अवार्ड, गिल्ड अवार्ड और जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट विजुअल इफेक्ट भी मिला है। वैसे ऋतिक रोशन ने क्रिश 4 का हिंट दे दिया है, मुझे देखना है कि क्रिश 4 का VFX कैसा होता है। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है वो है SRK की 0। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का VFX भी शाहरुख खान की कंपनी रेड चिली VFX ने किया था। इस फिल्म का बजट 200 करोड़ था और इस फिल्म का जो VFX है ना वो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड VFX है। लगभग 1600 VFX आर्टिस्ट वर्ल्ड वाइड और 600 VFX आर्टिस्ट खुद रेड चिली VFX के मिल के उन्होंने इस फिल्म के VFX को अंजाम दिया। शाहरुख खान को इस फिल्म में डॉफ दिखाने के लिए अलग अलग कई सारी टेक्निक्स का यूज किया गया, जैसे कि सेट पे बहुत सारे बॉक्सेस लाए जाते थे 1.5 फुट के, जिसपे सारे एक्टर्स चलते थे और एक लाइन बॉक्सेस की हटा दी जाती थी जिससे कि 1.5 फुट का गड्ढा बनता था और SRK उसी गड्ढे में चलते थे ताकि एक नॉर्मल बंदा और एक डॉर्फ बंदे के बीच में डिफरेंस दिखाया जा सके। और इस फिल्म में SRK को हर सीन VFX वाला लगभग 5 बार शूट करना पड़ता था। पहला शॉट होता था प्री विजुअलाइजेशन, दूसरा जो शॉट होता था उसमें SRK गड्ढे में होते थे और उनका कोस्टर होता था बॉक्स के ऊपर, तीसरे शॉट में दोनों कोस्टर एक प्लेन पे होते थे, चौथा जो शॉट होता था वो होता था SRK के बिना सिर्फ क्राउड एक्टिंग करती थी, और पांचवें शॉट में SRK की हर बॉडी पार्ट को शूट किया जाता था जिसको दिखाना है छोटा करके। अगर हम डॉफ फिल्मों को कंसीडर करें तो इस फिल्म का जो VFX है वो था इंटरनेशनल लेवल का। ये फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही लेकिन इस फिल्म के VFX को और रेड चिली VFX की टीम को फिल्मफेयर अवार्ड और जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट विजुअल इफेक्ट का अवार्ड भी मिला है। नंबर 2 पे जो फिल्म आती है वो है ब्रह्मास। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अयान मुखर्जी ने। अयान ने इस फिल्म को बनाने में लगभग 9 साल से ज्यादा का समय ले लिया, क्योंकि वो ऑडियंस को ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देना चाहते थे जो कि ऑडियंस ने कभी फील ना किया हो। इस फिल्म का बजट लगभग 400 करोड़ के आसपास है। फिल्म की VFX को समझने के लिए अयान ने एक नई तरह की फिल्म मेकिंग को सीखा। और यार अयान मुखर्जी की तारीफ तो करना पड़ेगा, इस फिल्म में अगर लव स्टोरी वाला पार्ट हटा दो और कुछ डायलॉग्स को हटा दो तो ये फिल्म बहुत बेहतरीन है। मैंने इस फिल्म को 2 बार देखा थिएटर में और दोनों बार काफी अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखने को मिला। और सबसे अच्छी चीज थी कि VFX के टर्म में कुछ नई चीज देखने को मिली। इस फिल्म का VFX कहीं से भी डल नहीं है, शार्प है, ब्राइट है और ऑन पॉइंट है। जिस VFX कंपनी ने इस फिल्म में VFX दिया है उसका नाम है DNEG डबल नेगेटिव। ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट VFX कंपनी में से एक है। इस कंपनी ने ब्लैक एडम, एवेंजर्स एंड गेम, वेनम, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, ड्यून और एक्वामैन जैसी 100 से ज्यादा फिल्मों में VFX दिया है। और अगर
इंडियन फिल्म की बात करें तो इस कंपनी ने RRR 2.0 और वॉर जैसी फिल्मों में भी VFX दिया है। नंबर वन पे जो फिल्म आती है वो है SRK की रावण। ये फिल्म आज से लगभग 11 साल पहले रिलीज हुई थी 2011 में और उस वक्त इस फिल्म का बजट लगभग 150 करोड़ के आसपास था। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो लोग काफी नेगेटिव रिव्यूज दे रहे थे इसके बारे में कि ये कार्टून बना दिए हो, ये बच्चों के लिए फिल्म है, ये बड़ों के देखने के लिए नहीं है। बट जैसे जैसे वक्त बीतता गया लोगों को रावण के VFX की अहमियत पता चलती गई। अगर साफ साफ शब्दों में मैं कहना चाहूँ तो ये कह सकते हैं कि ऑडियंस इस फिल्म के लिए उस वक्त रेडी ही नहीं थी। रावण का VFX अपने टाइम से अहेड था। माना कि फिल्म में थोड़ी बहुत दिक्कत थी लेकिन ये फिल्म एक एंटरटेनर थी। इसका VFX कुछ उन फिल्मों में से है जो कि अपने समय में तो अच्छा लगता ही था बल्कि आज भी अच्छा लगता है अगर आप उस सीन को देखो तो। फिल्म में बहुत सारे VFX वाले बेहतरीन सीक्वेंसेस हैं, जिसमें से एक ट्रेन वाला सीक्वेंस है, दूसरा जब CST स्टेशन टूट के गिरता है वो सीक्वेंस, तीसरा जब जीवन और आकाशी के बीच में फ्लाइंग कार्स वाली फाइट होती है वो, और इस फिल्म का सबसे बेहतरीन सीक्वेंस और मेरा सबसे फेवरेट सीन, प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट VFX शॉट अक्रॉस ऑल द मूवीज शॉट इन इंडिया, जब रोड के नीचे से क्यूब्स निकल के रावण का फॉर्मेशन होता है ना यार, ये सीन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उस वक्त भी पसंद था, आज भी पसंद है और आने वाले समय में भी पसंद होगा। और इस फिल्म का VFX करने के लिए रेड चिली VFX को लगभग हर मेजर अवार्ड शो में बेस्ट विजुअल इफेक्ट का अवार्ड मिला है। और सबसे मजे की बात यह है कि पहले तो लोगों को रावण का VFX अच्छा नहीं लग रहा था, बट जैसे ही लोगों ने 500 करोड़ का आदिपुरुष का कार्टून का टीजर देखा ना, लोगों के मन में रावण के VFX के लिए इज्जत और बढ़ गई। और इतना ही नहीं, लोग तो अब चाहते कि भाई रावण का पार्ट 2 भी बने। और सडनली अब लोगों को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, रावण का VFX तो कमाल का था। और सबसे मजे की बात तो यह है कि इन टॉप 5 फिल्मों में 3 फिल्में तो SRK खुद कास्ट है और 3 फिल्म में SRK कंपनी ने VFX दिया है। और इमेजिन करो अगर रावण 2 बनती है और उसका बजट 500 करोड़ के आसपास होगा तो रेड चिली VFX तो यार कमाल कर देगा। सो गाइस, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है और उस पार्ट 2 में हम बहुत सारी और फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिसमें बहुत अच्छे खासे VFX थे। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, लव यू।